तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि यार हम लोग हमेशा से सोलर पैनल की तरफ भाग रहे हैं, जो कि सबसे सस्ता एक टिकाऊ चीज़ है, जो कि आने वाले 25 सालों तक के लिए आपके साथ रह सकता है, और आप इसे फ्री में इलेक्ट्रिसिटी भी 25 सालों तक प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो क्यों ना हम ऐसा एक एम्पलीफायर बनाएं जिसमें बैटरी की ज़रूरत ही ना हो, और अमूमन लोग दिन में ही अपने एम्पलीफायर से गाने को सुनते हैं, मान सकते हैं इस बात को, रात में भी सुनते हैं, लेकिन मान के चलते हैं कि चलो दिन में मुझे चलाना हो तो दिन में मुझे किस तरह के पावर सोर्स की ज़रूरत होगी हमारे एम्पलीफायर्स को चलाने के लिए। तो इसीलिए मैंने अपने इस प्रोजेक्ट में किसी भी तरह की बैटरी को इंक्लूड नहीं किया हुआ है। सिंपल से एक 10 इंच का स्पीकर, छोटा स्पीकर नहीं कह सकते आप इसे, बड़ा स्पीकर है, 10 इंच का एक स्पीकर है, और 20 वाट का एक सोलर पैनल है, जो कि काफ़ी चीप प्राइस में आपको आसानी से मिल जाएगा। लिंक इन सभी चीज़ों की मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, तो आप परचेस कर सकते हैं। तो अब इतने छोटे से सोलर पैनल के थ्रू क्या हम 10 इंच के एक सिंगल स्पीकर को बजा सकते हैं या फिर नहीं? तो यहाँ पर मैं एक सिंपल सा छोटा सा 100 वॉट का एक एम्पलीफायर को यूज़ में ले रहा हूँ। वैसे तो ये 100 वॉट प्रोड्यूस कभी भी नहीं कर सकता ऐसे सोलर पैनल पर, लेकिन इतना डिसेंट अमाउंट में आपको ये ऑडियो प्रोवाइड कर देगा कि आपको आसपास के काफ़ी घरों तक, ये जी हाँ, आसपास के काफ़ी घरों तक आपको आवाज़ सुनाई दे जाए। तो यहाँ पर किसी तरह की बैटरी का मैं यूज़ नहीं करने वाला हूँ, ना ही किसी तरह के सुपर कैपेसिटर या फिर आप ऐसा कुछ कह सकते हैं। इन सभी पावर सोर्स से मैं दूर रहूँगा, केवल सन के थ्रू अपने इस एम्पलीफायर को मैं बजाने वाला हूँ। तो यहाँ पर सिंपल से कुछ कनेक्शंस हैं जो कि आपको पहले ही मैं बता देता हूँ। तो पहले बात कर लेते हैं इस खास एम्पलीफायर के बारे में। तो वैसे तो अगर आप चाहेंगे तो बहुत से एम्पलीफायर आप उठा सकते हैं जो कि चीप होंगे, जैसे 4440 पे हो गया, या फिर किसी ट्रांजिस्टर पे हो गया, 2N3055 हो गया, या फिर कोई और आपका एम्पलीफायर हो सकता है जो कि चीप प्राइस में आपको अवेलेबल हो आपके मार्केट में, लेकिन ये थोड़ा सा महंगा है। और इसमें कुछ खासियत भी ऐसी हैं कि ये छोटा होने के साथ साथ काफ़ी पावरफुल है, जो कि एक क्लास डी एम्पलीफायर की खास बात होती है। तो ये हमें करीब करीब 100 वॉट का आउटपुट दे देता है, और अगर इसको यूज़ करना चाहें तो आपको काफ़ी अच्छे खासे पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी। फिलहाल यहाँ पर मैं जिस फैक्टर के लिए मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, वो फैक्टर ये है कि इसे आप 8 वोल्ट से लेकर के 25 वोल्ट तक इसे आप रन कर सकते हैं। ये आसानी से इतने लंबे वोल्ट के बीच में सरवाइव कर सकता है। 8 वोल्ट से 25 वोल्ट के बीच का एक जो गैप है वो बहुत बड़ा गैप है, और इस बीच में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो ये करीब 6 से 7 वोल्ट पर ही स्टार्ट हो जाता है, फिर भी कंपनी के हिसाब से मैं मान के चलता हूँ कि 8 वोल्ट से लेकर के 25 वोल्ट तक, आई थिंक मैं गलत हूँ, शायद 24 वोल्ट, फिर भी ये जो फैक्टर है आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं। तो आप खुद देखिए कि ये छोटा सा एम्पलीफायर इतने लंबे गैप के बीच में, वोल्ट गैप के बीच में ये चल सकता है। अगर आप 4440 को लेकर चलते हैं तो वो 14 वोल्ट के ऊपर जाते ही बर्न कर जाती है। और भी ऐसे बहुत से एम्पलीफायर हैं जो बहुत ही छोटे से अमाउंट के वोल्टेज फैक्टर में काम करते हैं, 10 वोल्ट से 14 वोल्ट, कोई 14 वोल्ट से 16 वोल्ट के बीच में ख़त्म हो जाता है, तो कोई 20 वोल्ट से 25 वोल्ट के बीच में ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये एक क्लास डी एम्पलीफायर ऐसा मुझे मिला जो कि 8 वोल्ट से 24-25 वोल्ट तक को बीच में झेल सकता है। तो सिंपल सी आप डिस्प्ले में इसको देख ही सकते हैं कि इसका जो कंपनी ने क्लेम किया हुआ है वो कितना सच है और कितना झूठ है, क्योंकि मैं इस वीडियो में इसे प्रूफ करने वाला हूँ। अगर ये सोलर पैनल 8 वोल्ट भी प्रोड्यूस करेगा तो भी मेरा ये एम्पलीफायर रन करेगा, वैसे भी कितनी भी बुरी से बुरी हालत हो, वोल्टेज यहाँ पर आपको 8 से ज़्यादा ही मिलेंगे, और मैक्सिमम कोई भी सोलर पैनल हो वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 19 वोल्ट या फिर 20 वोल्ट तक जा सकता है। इस सोलर पैनल का जो करंट कैपेसिटी है वो 1.5 एम्प है लगभग, मगर मिलता नहीं है, 1 एम्प के आसपास ही मिलता है मुझे, फिर भी इतना काफ़ी है कि मैं अपने इस 10 इंच के स्पीकर को आसानी से बजा सकूँ। तो जो इसमें कनेक्शंस हैं वो बहुत ही सिंपल से हैं, यहाँ से आपको इसका डीसी का इनपुट देना है, और इसके बाद यहाँ पर आपको इसका स्पीकर कनेक्ट करना है। साथ में यहाँ पर आपको एक ऑक्स की केबल जो कि आपके स्मार्टफोन में कनेक्ट होगी, और यहाँ पर इसे भी कनेक्ट करना है। अगर हीटिंग की बात की जाए तो हीटिंग आप इसे अगर फुल लोड पर भी चलाएंगे ना, फिर भी यहाँ पर हीट मुझे अभी तक एक भी बार नहीं मिली है, क्योंकि मैंने 10 इंच के दो स्पीकर को पैरेलल कनेक्ट करके मैंने इस पर लोड दिया था कि शायद ये हीट हो, सिर्फ हीट चेक करने के लिए मैंने ऐसा टेस्ट किया था।
फिर भी ये हीट नहीं किया। तो सिंपल सी बात है, ये हीट का तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आने वाला है। और वोल्टेज की जहाँ बात रही तो फैक्टर अच्छा है कि 8 से लेकर के 24-25 वोल्ट तक ये झेल सकता है। एक और चीज़ दोस्तों की गलती से मैंने इसमें एक बार 30 वोल्ट दे दिया था, तो उस कंडीशन में ये कुछ ऐसा सर्किट इसे बनाया गया है कि ये अपने आप को सेफ रख सके, और जैसे ही ओवर वोल्टेज होगा ये वोल्टेज को एम्पलीफायर तक पहुंचने ही नहीं देता है और ये कट कर देता है हमारे इस बोर्ड पर ही, कि आईसी को किसी भी तरह का डैमेज ना होने पाए। तो एक तरह से आप इसमें ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन भी देख सकते हैं। वैसे ये पीसीबी काफ़ी महंगी है, मैं नहीं कहूँगा कि आप इसे परचेज़ करें, लिंक मैं फिर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। अगर आपको इसे सस्ता कहीं पर मिल जाता है ऐसा कोई बोर्ड, या फिर क्लास डी एम्पलीफायर जो कि इतने लंबे फैक्टर के बीच में रन कर सकता है, तो आप उसे परचेज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसका लिंक ज़रूर दूंगा ताकि आप इसे एक बार देख लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोलर पैनल का जो वोल्टेज है वो 20 वाट पावर का है, और इसमें जो करंट मुझे मिल रहा है वो 1.04 एम्प ही मिल रहा है। ओपन वोल्टेज इसका 22.50 है, और इसका जो पावर वोल्टेज है वो 19.25 है। तो आइए फिर इसे टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड कनेक्शंस हैं वो मैं आपको करके दिखा देता हूं। तो यहां बात कर लेते हैं इसके स्पीकर के बारे में, तो जो कि आपको निकाल के दे रहा है 240 वाट 4 ओम पर, और इसका जो मैग्नेट का जो वेट है वो है 275 ग्राम, जो कि है स्ट्रॉन्टियम मैग्नेट। वैसे ये सिंपल सी बातें किसी काम की तो है नहीं, लेकिन फिर भी आपको स्पीकर के बारे में बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना लोगों के ये कमेंट भी आ सकते हैं कि कोई छोटा मैग्नेट वाला स्पीकर होगा जो कि आसानी से हो सकता है रन कर रहा हो। तो देख सकते हैं आप कि ये काफ़ी बड़ा मैग्नेट है, ठीक है, बड़ा मैग्नेट है ये, और ये अच्छे से रन करेगा अभी। और इस स्पीकर को भी आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा है, ये रहा इसका बॉक्स जो कि बाहर निकल रहा है, और स्पीकर को भी आप देख सकते हैं कि स्पीकर भी मेरे पाम से बड़ा है। तो चलिए फिर चलते हैं इसके सारे कनेक्शन को कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट करने के बाद चलते हैं छत पर, देख लेते हैं कि वहाँ पर ये कैसा पावर आउटपुट हमें देता है।